आज माघ कृष्ण पंचमी बुधवार 31 जनवरी 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद, मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी को वसंत पंचमी के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं, जिसकी भावना के दर्शन करेंगे, तत्पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे और फिर पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करेंगे। और विशेष में कल हम प्रभु श्री जी की नगरी में नवनिर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज वसंत पंचमी के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार अब नियम के श्रृंगार हैं। श्री जी में हर बड़े उत्सव से पहले उस उत्सव के श्रृंगार के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री जी के दर्शन से पहले आइए इसकी भावना थोड़ी सी साझा करते हैं। प्रसंग विक्रमाब्द 1970-71 का है। तत्कालीन प्रचारक श्री दामोदर लाल जी महाराज ने प्रभु प्रीति के कारण अपने पिता और तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज से विनती कर इस श्रृंगार की आज्ञा ली थी और यह प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया था। क्योंकि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार वसंत से पूर्व गुलाल का प्रयोग वर्जित है, अतः पिछवाई एवं वस्त्रों पर लाल रंग के वस्त्रों को काटकर इस प्रकार से भरत काम किया गया कि जैसे वसंत पंचमी आ गई हो और प्रभु ने गुलाल खेली हो। तब से ही यह श्रृंगार प्रभु को प्रतिवर्ष धराया जाता है और अब यह नियम का श्रृंगार हो गया है। भावना यह है कि अब धीरे धीरे शीतकाल व्यतीत होने की ओर है और वसंत का आगमन होने वाला है। इसके आभास स्वरूप भी आज यह वस्त्र एवं श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। नम्र भाव से प्रभु श्री जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज मेघश्याम रंग की साटन के मोजा जी धराए हुए हैं।
जिन पर मेघश्याम हाशिया एवं फोंदना सुशोभित हैं। मौजाजी पर आभरण से मिलवा नूपुर एवं पेंजनिया धराए हुए हैं। श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नखवेसर धारण किए हुए हैं। इनके साथ अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के साटन की आधार वस्त्र वाली पिछवाई सजी हुई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर लाल रंग के वस्त्र के साथ किए हुए भरत काम से चिड़ियां उकेरी गई हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर सफेद बिछावट की हुई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष दो स्वर्ण जड़ित पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल होने के कारण प्रभु के समक्ष अंगीठी पधराई हुई है तो धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवा के तहत प्रभु के समक्ष चांदी की त्रष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को सभी वस्त्र श्वेत साटन के धराए हुए हैं और इन वस्त्रों पर पीली, केसरी, लाल एवं श्याम रंग की टिपकियों का भरतकाम किया हुआ है। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, घेरदार वागा और चोली धारण करवाए हैं। जो पटका प्रभु को आज धराया गया है वह श्वेत रंग का मोठड़ा वस्त्र का है। जो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज धराए हुए हैं वह लाल रंग के हैं और उन पर भी रंगीन टिपकियों का भरत काम किया हुआ है, मानो गुलाल से टिपकियां लगाई हों। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज घुटनों से दो अंगुल नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा, पन्ना, माणक, मोती व स्वर्ण के मिलवा धराए हुए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज श्वेत रंग की, लाल एवं श्याम रंग की टिपकियों के भरत काम वाली छज्जेदार पाग धराई हुई है। इस पाग पर पट्टेदार सिरपेच धराया हुआ है और उसके साथ मोर पंख की एक सादी चंद्रिका धराई हुई है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज माणक के चार कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज श्वेत, पीले एवं लाल रंग के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई हुई हैं। आज के दिन विशेष रूप से प्रभु को छोगा एवं छड़ी भी धराए गए हैं, जो वस्त्र से निर्मित हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज स्वर्ण के बटदार वेणु जी धराए हुए हैं तो साथ में कटी पर दो वैत्र जी धराए हैं। क्योंकि वसंत की भावना है अतः खेल के साज में पटचीड़ का व गोटी चांदी की पधराई गई हैं। इन मनमोहक रूपों में भक्तों को धारण किए हुए प्रभु श्री जी को नित्यवत आरसी से दर्शन कराए जा रहे हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में मोहन सो मन मान्यो मेरो, श्रृंगार में मायरी आज और काल और राजभोग में बोलत श्याम मनोहर बैठे, आरती में यह छब मोपे जात नबरनी, शयन में आलीरी कर श्रृंगार सायंकाल,
कीर्तनों का गायन किया जाता है। शिज सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन भोग में विविध प्रकार की सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल की सेवा के तहत प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिनमें उल्लेखनीय रूप से सौभाग्य सोंठ की सामग्री शामिल है। मंगला, राजभोग एवं संध्या दर्शन आरती में प्रभु की आरती उतारी जाती है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्य की भांति अरोगाए जाते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Yeah।
लागत है अति सीत की रे तू लागत है अति सीत की अंसाय भुजाय देव पढ़े प्रिय प्याय रे अंसाय भुजाय देव पढ़े बात करता बात करता रसरीत निके दे तू लागत अति सीत के रे तो लागत है अति सीत के आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।